हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल 1913। क्लास 11th का जबरदस्त टॉपिक है ये बोर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने देखा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911। इसके साथ हमने उसके डिफेक्ट्स के अलावा उसकी पॉसिबिलिटीज भी बात किए थे। इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरह बोर मॉडल की ऐसी तैसी करेंगे, बोर मॉडल के पॉसिबिलिटीज और उसके डिफेक्ट्स आपको बिल्कुल क्लीन वे में, बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, है ना। एक्चुअली ये 1913 में बोर एटॉमिक मॉडल हमारे पास आया है और तब से हम इसे पढ़ना शुरू किए हैं। अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, कब आया था ये? तो 1911, स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा तो 2 साल पहले आया था 1911 में, और ये 1913 में आया। तो आइए देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल है क्या एक्चुअली और इसके क्या पॉस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखो अगर आप एनसीईआरटी बुक में या कंसर्न बुक में अगर आप देखोगे प्रदीप वगैरह, तो उसमें क्या है कि एक लैंग्वेज में दे रखा है, पूरी तरह से एक लैंग्वेज में समझा रखा है। लेकिन मैथ्स मिरेकल आपके लिए पॉइंट वाइज लेकर के आया है, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलोस। करा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो नीचे लिखे हुए। पहला क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इन एटम रोटेट्स राउंड द न्यूक्लियस। एक एक वर्ड पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन इन एटम रोटेट्स राउंड द न्यूक्लियस। देखो एटम है ना, ये हाइड्रोजन एटम मान लीजिए, इसको एच एटम अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एच एटम, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन इन एटम रोटेट्स राउंड द न्यूक्लियस। ये तो दुनिया का कोई भी आदमी जानता है कि एटम के यानी न्यूक्लियस के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है। बोर साहब भी यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन एटम रोटेट्स राउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सेलेक्टेड बट फिक्स्ड कंसेंट्रिक ऑर्बिट। यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, कंसेंट्रिक ऑर्बिट क्या होता है ना। कंसेंट्रिक ऑर्बिट अगर हिंदी में बात करूँ तो समकेंद्री, यानी कि दो सर्कल, मान लीजिए दो सर्कल, एक सर्कल ये है एक सर्कल ये, और दोनों का सेंटर अगर सेम होगा स्टूडेंट्स, तो उसको आप बोलोगे कि क्या है, वो कंसेंट्रिक ऑर्बिट है, उसको कंसेंट्रिक ऑर्बिट बोल सकते हैं ना। तो कह रहा है कि रोटेट्स राउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सेलेक्टेड बट फिक्स्ड कंसेंट्रिक ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है इसमें, जिनका लेवल अलग हो सकता है, और सबका सेंटर सेम है। इस वाले ब्रीथ की सेंटर सेम है, इस वाले ब्रीथ का भी यही सेंटर है, इस वाले ब्रीथ का भी यही। एक्चुअली ब्रीथ यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस का नाम देंगे, क्योंकि ये परिधि से रिलेटेड है। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। और जिस भी सर्कमफेरेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस पूरी बात को आप बोलोगे स्टेशनरी स्टेट्स। ध्यान से समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 बोलता है अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट्स। एकदम बिल्कुल आसानी से देखो कि जिस किसी में भी स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए सबसे लास्ट वाले में अगर मूव कर रहा है, बड़े वाले में, तो उसका फिक्स एनर्जी लेवल है, उसमें जो एनर्जी चल रहा है इलेक्ट्रॉन के अंदर वो बिल्कुल फिक्स्ड है। उसी तरह नीचे वाले में भी फिक्स है, उसके नीचे वाले में भी फिक्स है। वही बात बोलता है कि अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट्स, हेंस ईच स्टेशनरी स्टेट्स करस्पॉन्ड्स टू ए फिक्स एनर्जी लेवल। सही है ना स्टूडेंट्स। तो क्या है इसमें कि जितना भी एनर्जी इसमें एसोसिएट हो रहा है, उसी के हिसाब से उसका लेवल है, है ना। जैसे अगर आपके इसमें एनर्जी लेवल कुछ 10 है, तो 10 का एक एनर्जी है तो उसी का एक लेवल है। इसमें 20 है तो बाहर है, 30 है तो और बाहर है, 40 है तो और बाहर है। तो उसी तरह से एक जितना एनर्जी एसोसिएट हो रहा है उसी का एक लेवल भी है। फाइनल कर रहा हूँ, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट्स, हैंस ईच स्टेशनरी स्टेट्स करस्पॉन्ड्स टू ए फिक्स एनर्जी लेवल। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 बोलता है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखेंगे पॉइंट नंबर 3 कि द इलेक्ट्रॉन डोंट रेडिएट एनर्जी इन स्टेशनरी स्टेट्स। कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी स्टेट्स में होगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी को लूज नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4, द इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी व्हेन दे जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। कहता है कि एनर्जी तब रेडिएट होगा जब क्या होगा,
एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तभी वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी खर्च करेगा। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर फोर कहता है द इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी करता है, एनर्जी खर्च करता है तब जब व्हेन दे जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब वो जंप करेगा वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, है ना। बोर एटॉमिक मॉडल का पॉइंट नंबर फाइव देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, द एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रॉन जंप इज गिवन बाई ई टू माइनस ई वन इक्वल टू एच न्यू। ध्यान से स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जब भी एनर्जी चेंज होगी तो एक बात याद करो, जब भी चेंज होगा तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, E2 में से E1 घटा दिया, तो जो एच है वो कांस्टेंट है एक्चुअली स्टूडेंट्स। यहाँ पे एच क्या है, कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं न्यू। तो एक तरह से ये आपका इक्वेशन मिल गया। तो वेयर आप न्यू बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, आप समझ रहे हैं ना। और एच क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। तो द एनर्जी चेंज इन एन इलेक्ट्रॉन जंप इन गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो क्या उसके एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या करेंगे, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और न्यू इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट पॉइंट नंबर सिक्स, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर एच अपॉन टू पाई। तो याद करो स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। और एन देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर बोले तो एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है एन इंटू एच अपॉन टू पाई। हाँ, अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या है, तो एम इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आराम से देखिएगा, और वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आर क्या होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एच इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट तो पहले ही देखा था आपने, और एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, जो कि बोला है ना मल्टीपल। देखो ना यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज एन इज कहाँ गया, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर, इंटीग्रल मल्टीपल, एन क्या है इंटीग्रल मल्टीपल। द लास्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इज काउंटर बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। दोबारा से देखो, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अच्छा यहाँ पे अब दो बातें समझनी है आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इज काउंटर बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली क्या होता है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ना सेंटर के अगेंस्ट, सेंटर के अगेंस्ट। मान लीजिए आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्टन सेलेक्टेड बट फिक्स्ड कंसेंट्रिक ऑर्बिट, ये किसी एक्सटर्नल पार्ट पे ये मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जहाँ पे सेंटर है उसके अगेंस्ट खींचेगा, और पीटल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा सेंटर की तरफ इसको खींच के लेके जाएगा। सेंट्री पीटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंटर के अगेंस्ट लेके जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है, तो ये क्या होता है, बिल्कुल काउंटर बैलेंस हो रहा है, काउंटर बैलेंस होता है ना, तो ये सेंटर की तरफ गिर पा रहा है और ना तो सेंटर के अगेंस्ट जाके गिर पा रहा है ना। तो जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसानी से मूव कर रहा है। तो आप अगर आप पहले का लाइन जो अभी मैंने बोला था वो लाइन अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सेवन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने समझाया कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन इज काउंटर बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बिल्कुल आसानी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्टिंग होने से आसानी से घूम पाता है। तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि बोर मॉडल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, बिल्कुल पॉइंट वाइज जो कि सेवन पॉइंट्स हैं हमने आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाने की कोशिश किया है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बोर मॉडल के डिफेक्ट, एक्चुअली डिफेक्ट क्या थे, हम इसी वीडियो के अंदर जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही हम बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं बोर मॉडल के डिफेक्ट। बोर मॉडल आप देख रहे हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, यानी कि बोर मॉडल के डिफेक्ट क्या क्या हैं, हम आपको पॉस्टुलेट्स दे देते हैं, हम आपको पॉइंट वाइज आपको यहां भी समझा देते हैं। देखो बोर मॉडल इज ट्रू फॉर ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, चूंकि ये जो बोर मॉडल है
वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे वाले एटम्स के लिए ही सक्सेसफुल हुए। तो हमारे पास तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो सिर्फ अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के लाइक जैसे एटम पे अगर कोई प्रिंसिपल दे रहा है तो वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि बोर मॉडल जो हो है वो कहता है कि सब पे जितने भी एटम है सब पे काम करेगा। लेकिन एग्जैक्ट में अगर इसको जांचने के बाद पता चला कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और उसके जैसे इलेक्ट्रॉन पे ही काम किया, जैसे हाइड्रोजन आप देख रहे हैं Hc+ और लिथियम Al+++ इस ऐसे और इसके जैसे जो भी होगा। और आगे लिखता है फॉर हायर एटम्स इट डज नॉट होल्ड गुड, और इसके अलावा आगे वाले जितने भी एटम है उस पर ये काम नहीं कर पाया, है ना। पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटर है, ये जो आपका पोजीशन है, इस पे जो तो स्पेक्ट्रल लाइन पे क्या कहता है, दोबारा से देखिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पेक्ट्रल लाइन पे ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जब इस पे इफेक्ट किया गया तो ये बिल्कुल सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। और इसी पोजीशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स जीमैन पोजीशन, है ना, जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम स्प्लिटेशन निकाल के स्पेक्ट्रल लाइन का फाइनल करते हैं तो उसी को हम जीमैन पोजीशन बोलते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम पॉइंट नंबर थ्री देखते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर थ्री बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, दिस इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अब देखो स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या है वो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बिल्कुल क्लीन करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर थर्ड बोलता है कि ये जो मॉडल हुआ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम को बिल्कुल ही ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, कहता है कि जो एटम था उसका जो पोजीशन था और एंगुलर मोमेंटम था बिल्कुल फिक्स था। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों उस पर एक्ट हो रहे थे, तो अगर दोनों एक्ट होंगे तो उसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स होगी। तो क्या बोलता है, ये जो है अगेंस्ट हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का, जिसकी वजह से बोर मॉडल यहां भी फेल कर गया। तो तीन बोर मॉडल के डिफेक्ट्स हैं जो पॉइंट वाइज आपको मैंने समझाया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फेल कर गया और बहुत ऐसे जगह पे बिल्कुल सही हुआ, लेकिन तीन पोजीशन पे बोर मॉडल बिल्कुल फेल हो गया। तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स आपको 13 मिनट का ये वीडियो बिल्कुल सही से बोर मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, और बहुत ही आसान वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा देंगे, क्योंकि बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है। एनसीईआरटी को देखकर तो आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।